हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स फॉर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम का जो हमारा क्लास 11th का फिजिक्स है, आप लोग को बहुत लंबे समय तक वीडियो नहीं मिला मुझे मालूम है, कुछ टेक्निकल इशू थे मेरे। मैं अपने स्टूडियो को अपडेट कर रहा था, डिजिटल बोर्ड लगा रहा था, बहुत सारे काम कर रहा था, तो थोड़ा आप लोग को वेट करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, अब कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलेगा और बहुत अच्छे क्वालिटी पर मिलेगा, डिजिटल बोर्ड के साथ भी मिलेगा। तो आप सब लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। और अब आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। आवर टॉपिक इज वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 11th क्लास एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड IIT JEE ऑल्सो। IIT JEE नीट में भी वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चन आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ कि मैं बहुत जल्दी एक दूसरा चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ मैं IIT JEE नीट NTSC KVPOI के एग्ज़ाम को टारगेट करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। इस तरह से ये जो मेरा आप चैनल देखते हैं, इसमें हम फाउंडेशन क्लास को चलाएंगे, मतलब 11th 12th के मैथ्स फिजिक्स के जो फाउंडेशन बेसिक्स हैं, और उस चैनल में हम कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कराएंगे। दोनों को एक साथ मर्ज करने से बहुत कन्फ्यूज़न है। स्टूडेंट वन बाय वन जिनको जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है, यहाँ से अपना फाउंडेशन पढ़ेंगे और वहाँ से IIT JEE नीट का प्रिपरेशन करेंगे। इसी में सब कुछ डालने से बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रखना। बहुत जल्दी मैं IIT JEE और नीट को ध्यान में रख के सभी चैप्टर के स्टार्टिंग से आपको यूनिट एंड मेजरमेंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं और आज स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट वर्क। व्हाट इज वर्क? इस टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो तीनों पर हम पहले इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे और आज मैं कम्प्लीटली आज के वीडियो में वर्क पर डीपली डिस्कस करूंगा, कॉम्पिटिटिव को ध्यान में रखकर डिस्कस करूंगा। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, फिजिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट। फिजिक्स इज कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट। इफ यूर कॉन्सेप्ट इज स्ट्रांग, देन यूर न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आर ऑल्सो स्ट्रांग। आपका यदि कॉन्सेप्ट पुअर है, आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब फाउंडेशन क्लास में आपकी पढ़ाई होती है, जब हम आपको बेसिक चीज़ों पर बात करते हैं, तो उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क। व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? देखिए, हम अपने बिहेवियर में, डेली लाइफ में कुछ भी करते हैं, उसको हम वर्क करते हैं। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ वर्क। कोई खाना खा रहा है, वर्क। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, वर्क। इसको हम अपने कॉमन लाइफ में वर्क कहते हैं। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में यह सब वर्क नहीं है। वर्क होने का मतलब है यदि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो। दैट मीन्स वर्क इक्वल, एक्चुअल में वर्क इक्वल होता है, वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और W इक्वल टू होता है F × D। मतलब किसी भी बॉडी पर यदि हम फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वर्क। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वर्क। ये वर्क कहलाता है, ठीक है। अब देखो, यदि किसी बॉडी पर मैं फोर्स अप्लाई करूं और बॉडी डिस्प्लेस ना हो, तो वर्क नहीं है। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं किसी वाल को पुश कर रहा हूं, किसी वाल को, दीवाल को मैं ढकेल रहा हूं, तो नेचुरली आपको पता है कि दीवाल को मेरे धक्का देने से दीवाल थोड़ा आगे तो खिसकेगा नहीं, दीवाल अपने जगह में रहेगा। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। कॉमन लाइफ में हम बोलेंगे मैं वर्क कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? मैं दीवाल को धक्का दे रहा हूं। बट दिस इट इज नॉट वर्क, बिकॉज वी हैव नो डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बस लगाने से वर्क नहीं होता, ये ध्यान में रखना। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट नेसेसरी है। तो ये होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहाँ पर देखें कि एक्चुअल में किसी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट सपोज हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी किसी दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर।
और यहां पर ये सपोज फोर्स है। अभी आप लोग थोड़ा ध्यान देना कि डिजिटल बोर्ड का नया नया सिस्टम है, कुछ कहीं पर राइटिंग के कुछ प्रॉब्लम हो तो समझने का कोशिश करना, धीरे धीरे वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। ये फोर्स है और इधर फोर्स लगाने से सपोज बॉडी इधर डिस्प्लेस हुआ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। आपने अपने डेली लाइफ में ऐसा देखा होगा या आपने कभी ऐसा बचपन में ऐसा खेला होगा या अभी भी किया होगा कि हम लोग क्या करते थे, ईंटे पत्थर किसी चीज़ को रस्सी से बांध देते थे या किसी कार्ट वगैरह को खिलौने को, और इस तरह से हम लोग इधर खींचते थे। और आपको मालूम है कि हम बॉडी को जब इधर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी उधर डिस्प्लेस नहीं होगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, वो डिस्प्लेस होकर इधर आएगा, वो उधर नहीं जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर यदि जो हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो बीच का एंगल है वो सपोज थीटा है, इस कंडीशन में वर्क कितना होता है। तो देखो यहाँ पर यदि हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट्स निकालना चाहें या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डी कॉस थीटा, क्योंकि पास वाला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देन द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डी कॉस थीटा। देयरफॉर इन दिस केस वर्क इक्वल एफ इंटू डी कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क इफ थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब यहां पर आप देखो कि ये थीटा पर डिपेंड करेगा, अभी हम इसके बहुत सारे कंडीशन पर बात करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, आपने मेरा वेक्टर का यदि देखा होगा, वेक्टर का चैप्टर आपने मेरा देखा होगा, तो वेक्टर पर कंप्लीट बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पर मैंने आपको कंटेंट्स प्रोवाइड कराया है, तो आपको पता है कि a डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यदि हम इस वेक्टर के इस कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ करें तो W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल एफ डॉट डी, एफ में वेक्टर होगा, डी में वेक्टर होगा, बट डब्ल्यू में वेक्टर नहीं होगा। डब्ल्यू में वेक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से जानते हैं द डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, दैट मीन्स हियर डब्ल्यू इज स्केलर, ये ध्यान रखना, W स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज जूल, ठीक है, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, अभी हम जूल को डिफाइन करेंगे। तो हो जाएगा W इक्वल टू एफ डॉट डी, तो हमको दो फार्मूला मिल गया, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा एंड सेकंड इज W इक्वल टू एफ डॉट डी। अब हम इसके एक इंपॉर्टेंट फार्मूला पर बात करते हैं जो कैलकुलस पर बेस्ड है, तो आप फार्मूले को काउंट करो, फर्स्ट सिंपल W इक्वल टू एफ इंटू डी, सेकंड इज W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा एंड थर्ड इज W इक्वल टू एफ डॉट डी। देखो W इक्वल टू एफ डॉट डी ये सब आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज हमको कहीं पर फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया, फोर्स F इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, सपोज अमाउंट ऑफ फोर्स इज टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज सपोज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क। तब आपको यदि वर्क कैलकुलेट करना होगा तो इस फार्मूला को यूज करोगे एफ डॉट डी, और हम दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दैट मीन्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा, दैट इक्वल डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में समझाया था, आपको याद होगा
कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई का आई के साथ में मल्टीप्लाई होगा, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई होगा और के का के के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक का किसी दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होता है बट आई डॉट जे इज जीरो, ये हम जानते हैं। इस तरह से एक का एक दूसरे के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है। ये देखो आपको वेक्टर में यदि प्रॉब्लम है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और मैंने मेरा एक कलेक्शन है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, वहाँ से आप रिविजन करिए उसको, क्योंकि आपको फिजिक्स में अच्छा कमांड करना है तो आपका एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एलजेब्रा और ज्योमेट्री के कुछ साइज एंड शेप्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। और ये मैंने अपने 5 वीडियो में ये अच्छे से कलेक्ट किया हुआ, आप उसको देखिए। तो क्या हो जाएगा, टू ये हो जाएगा टू आई डॉट आई, ये जे डॉट जे वन होगा तो ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस वन, दैट इक्वल यहाँ पर जीरो आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क इज जीरो। दैट मीन्स इफ फोर्स इज दिस एंड डिस्प्लेसमेंट देन अमाउंट ऑफ वर्क इज जीरो। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके अब वर्क फाइंड करने का हमारा एक और जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है, देखो नाउ फोर्थ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्क W इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ F dx फ्रॉम x1 टू x2, x1 इज लोअर लिमिट एंड x2 इज अपर लिमिट। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx, ये वर्क निकालने का फार्मूला है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है। जितने स्टूडेंट्स बायो स्ट्रीम के हैं, जिन लोग नीट का प्रिपरेशन करेंगे, लगभग मैंने देखा है कि अल्टरनेट ईयर में नीट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछा है, क्योंकि नीट में जो फिजिक्स पूछता है उसका जो लेवल है वह IIT JEE के कंपैरिजन में अलग होता है। वहाँ पर छोटे छोटे बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्योंकि बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का पेपर होता है। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वर्क निकालने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि किस तरह से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हम एग्जाम्पल लेते हैं, इफ फोर्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, सपोज फोर्स इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, देन कैलकुलेट वर्क इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू टू मीटर। ये क्या है, फोर्स है, यह न्यूटन में है और ये मीटर में है। मतलब क्वेश्चन आपका क्या है, इफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स न्यूटन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम जीरो टू टू मीटर, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ पर हमको वर्क कैलकुलेट करना है तो देखिए हम किस तरह से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर अमाउंट ऑफ वर्क W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट इज जीरो एंड अपर लिमिट इज टू, ये जीरो टू टू एंड द वैल्यू ऑफ f इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स एंड इंटीग्रेशन दिस, क्लियर दैट इक्वल। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इक्वल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, x इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के साइन को हम यहां से हटा देंगे और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहां से हम इस फार्मूला को अप्लाई करें तो यहां पर n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस वन मीन्स 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 2 अपॉन 2 और प्लस 6 का इंटीग्रेशन होगा 6x। ये आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। यहाँ पर भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप कैलकुलस का वीडियो देखिए, मेरे चैनल पे मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है पढ़ाना और सब चीज़ आपको मिलेगा। तो ये कहीं भी आपको दिक्कत आता है तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ परेशान मत होइए, आप सीधा उसको टाइम निकाल के बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को रिवाइज करिए।
अब लिमिट को हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे 0 to 2। ओके, लिमिट यहाँ पर पुट अप करने के बाद देखिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। हम यहाँ से दैट इक्वल, यहाँ मैं इंटीग्रेशन करके लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा अपर लिमिट। इंटीग्रेशन होने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स पुट अप द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट इन द पोजिशन ऑफ एक्स। यहाँ से देखो 2 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करें तो 1/3 कांस्टेंट को लिख लेते हैं, और x का वैल्यू पुट अप होगा 2, तो ये हो जाएगा 2³ प्लस, ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पर हम पुट करेंगे 2² और प्लस 6 × 2 और माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो पूरे के पूरे फंक्शन में x के जगह 0 पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व करें तो 1/3 2³ क्या होगा 8 हो जाएगा, प्लस 2² ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 12। ओके, दैट इक्वल इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अपन, 3 ये हो गया 8 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 36, दैट इक्वल इसको ऐड कर लो 8 × 10 ये हो गया 20 है ना, और ये हो जाएगा 56/3, ये जूल। इसको आप लोग सॉल्व करते रहना, ये जूल क्या है, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन के बेस पर भी वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको ध्यान से समझना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन का जब आप मेरा वीडियो देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर पर, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ कोई दिक्कत हो एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप तो वीडियो बार बार रिवाइज करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500, वो सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा। देखिए इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क की वर्क कितने टाइप्स होते हैं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क के 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क, फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क। तो किस तरह के वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे, देखिए अभी हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा है, वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा है क्या, W इक्वल एफ डी कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा ये वर्क का फार्मूला है, और हमने फिगर में देखा कि थीटा क्या है, F और D के बीच का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार उस फिगर को आपको फिर से याद दिला दूँ,
तो ये आपने देखा था, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट, और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। इस तरह से आप देखो, अब ये थीटा यदि जीरो हो जाए, सपोज थीटा को हम जीरो कर दें, तो ये जो डायरेक्शन होगा यही किसका डायरेक्शन हो जाएगा, एफ का डायरेक्शन भी यही हो जाएगा। और इस कंडीशन में देयर फॉर यदि हम वर्क निकालना चाहें तो हो जाएगा एफ इंटू डी इंटू कास जीरो, दैट इक्वल कास जीरो वन होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा एफ इंटू डी, ये होगा वर्क। दैट मीन्स पॉजिटिव वर्क का मतलब है इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो मैं स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट टाइप ऑफ वर्क इज पॉजिटिव वर्क। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ओके, दिस इज पॉजिटिव वर्क। अब हम यहां पर देखते हैं सेकंड टाइप, सेकंड इज निगेटिव वर्क। पहले हम पढ़ लें जीरो वर्क, जीरो वर्क का कंडीशन कब होता है देखो, अब यहां पर देखो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, सपोज एंगल इज 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयर फोर, मतलब इस तरह में यहां सिचुएशन कैसा हो जाएगा, यहां पर सिचुएशन इसी फिगर से आपको बता दूं, ऐसा हो जाएगा, इस कंडीशन में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं, देयर फोर वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कास 90, और कास 90 कितना होता है, जीरो, दैट मींस हियर अमाउंट ऑफ वर्क इज जीरो, ये वर्क जीरो हो जाएगा। यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या एग्जाम्पल है, तो यह है वर्क ऑफ कूली, वर्क ऑफ कूली ऑन लगेज, कूली का लगेज पे जो वर्क होता है, ठीक है, वो जीरो वर्क होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कूली के वर्क को जीरो नहीं कह सकते, लेकिन फिजिक्स के थ्योरेटिकल लाइफ में वर्क जीरो होता है, वो किस तरह से होता है, देखो मैं आपको इस फिगर के हेल्प से आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से होता है। सपोज ये कूली है, इसको इमेजिन करो कि ये कूली है इस तरह से, और ये अपने सिर में लगेज रखा हुआ है, ये लगेज है, और वो प्लेटफॉर्म पर इस तरह से आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर के सिचुएशन को आप देखो कि इस कुली के सिर में जो लगेज है वो उसका वेट नीचे वर्क करेगा mg, mg क्या है, इसका वेट का डायरेक्शन है, दैट इज फोर्स, वेट इज फोर्स, ये फोर्स हो जाएगा, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, कुली का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन होता है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री, तो इस लगेज पर कुली जो वर्क कर रहा है वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में वो मोशन कर रहा है, लेकिन सपोज वो इंक्लाइन सरफेस में चले या सीढ़ी पर चढ़े ऊपर, तो वर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है, वर्क ऑफ कुली ऑन प्लेटफॉर्म इज जीरो बट नॉट इन स्टेयरकेस, स्टेयरकेस में नहीं होगा वो, तो ये कहलाता है वर्क जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वर्क ऑफ कुली ऑन लगेज इज जीरो बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड जीरो वर्क। एंड नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ वर्क इज निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क में क्या होता है, जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री, इफ थीटा इज 180 डिग्री देन वर्क इज निगेटिव। किस तरह से देखो, ये होता है W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कास, एंगल इज 180 डिग्री, दैट इक्वल
cos 180 degree is minus 1, that means minus f into d, this is negative work. ये हो गया negative work. अब इसका example क्या है? इसका example है हमारे daily life में, इसका example है work on spring. स्प्रिंग पर जो वर्क होता है वो निगेटिव वर्क होता है. कैसे? जैसे सपोज हमारे पास कोई स्प्रिंग है और हम उस स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है सपोज, और स्प्रिंग को हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के कंप्रेस किया. सपोज हमने दोनों साइड में से फोर्स लगाया और इसको कंप्रेस किया. लेकिन जब स्प्रिंग को हम ओपन कर देंगे इस तरह से, तो ओपन करने के बाद, छोड़ने के बाद, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा. ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, स्प्रिंग दोनों तरफ इधर फैलेगा, डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स हमने इधर लगाया था और स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट इधर होगा. दैट मींस ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. दैट मींस इन दैट केस द वर्क इज निगेटिव. देन दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्क. फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क, सेकेंड इज जीरो वर्क, एंड थर्ड इज निगेटिव वर्क. तो ये मैंने आपको आज कंप्लीट किया वर्क का कॉन्सेप्ट. ठीक है, आज के क्लास में बस मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूँ कि आपका वर्क का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. और वर्क निकालने का जो मैंने मैथमेटिकल आपको फॉर्म बताया, फर्स्ट इज डायरेक्ट वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज एफ इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा, जिस पर यह निगेटिव पॉजिटिव वर्क को हमने समझा. थर्ड इज एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर. If we have the force, amount of force in vector form and displacement is also in vector form, then the dot product of force and displacement is work. And the fourth formula is integration formula. The integration of force with respect to displacement is called work. तो वर्क निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट. तो वर्क यहीं तक हमको पढ़ना है. और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा वर्क के बाद एनर्जी. एनर्जी इस चैप्टर का बड़ा टॉपिक है. एनर्जी में हमको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसके पूरे रिलेशंस, और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोलिजन. तो नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लंबा होगा और उसमें हम वर्क के बाद एनर्जी पढ़ेंगे और एनर्जी के बाद कोलिजन. पावर बहुत छोटा सा टॉपिक है. ओके, तो वर्क का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बाद में मैं न्यूमेरिकल्स के सेशन में आपके इसके न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा. ओके, थैंक यू.